नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। निर्दोष टेक ऑनको के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सब स्वस्थ होंगे, बहुत बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैंसर के मिथ के बारे में। बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे समाज में कैंसर को लेकर के। दोस्तों, उन्हीं में से कुछ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या कैंसर कंटेजियस है, फैलता है? जी हाँ दोस्तों, 10 में से 4 तरीके के कैंसर ऐसे हैं जो फैल सकते हैं, मगर उनके फैलने की भी वजह होती है। फ्रेंड्स, अगर किसी पेशेंट में HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन पॉजिटिव है या फिर किसी को हेपेटाइटिस बी या सी है तो दोस्तों ये फैल सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के द्वारा या किसी नीडल के द्वारा, अगर एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में यूज कर ली गई हो। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ है तो ये फैल सकता है, अदरवाइज ये फैलता नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम है कि कैंसर अगर एक पेशेंट को हो गया है तो वो दूसरे के संपर्क में आएगा तो उसको भी कैंसर हो जाएगा। तो आप अपने मन से इस डर को निकाल दें कि हमें दूसरे पेशेंट से कैंसर हो सकता है। फ्रेंड्स, कहा जाता है अक्सर हमारे समाज में, अगर किसी पेशेंट की रेडियोथेरेपी या रेडिएशन से इलाज चल रहा है तो वो हमारे संपर्क में आएगा तो हमें भी रेडिएशन से कैंसर हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एकदम सुरक्षित है और आप भी एकदम सुरक्षित हैं। दोस्तों, अगर कोई मरीज अपना ट्रीटमेंट करा के आता है तो आप उससे दूरी ना बनाएं, बल्कि उसके साथ रहें, उसकी मदद करें। कैंसर इस तरीके से नहीं फैलता है, वो रेडिएशन उसी कमरे में खत्म हो जाता है जिस कमरे में पेशेंट का इलाज चलता है। दोस्तों, सामने ये भी बात आती है कि बुढ़ापे में, ओल्ड एज में कैंसर का इलाज संभव नहीं है। जी नहीं दोस्तों, ये भी गलत एक फैक्ट है, एक मिथ है। कैंसर के ट्रीटमेंट की कोई एज नहीं है, चाहे 6 महीने का कोई बच्चा हो या 80 साल का कोई बुजुर्ग हो, ट्रीटमेंट पॉसिबल है, आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आप गलत फहमियों में ना फंसे, अगर कोई ऐसे परेशान है तो आप उसका इलाज जरूर कराएं। अक्सर ये भी कहा जाता है कि कैंसर बहुत ही पेनफुल होता है। जी हाँ दोस्तों, कैंसर पेनफुल हो सकता है, मगर आज आपके पास इतने अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं कि दर्द एकदम खत्म हो जाता है और आपका सर्वाइवल रेट भी अच्छा हो जाता है, आप क्वालिटी लाइफ को जीते हैं। कहा जाता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ही कैंसर से भी ज्यादा वर्स्ट होता है, उससे भी बुरा होता है। जी नहीं दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा एक भ्रम है जो समाज में फैला हुआ है। कैंसर के साइड इफेक्ट जरूर आते हैं, पर वो स्पेसिफिक कुछ दिनों के लिए होते हैं, कुछ महीनों के लिए होते हैं। तो आप इससे डर करके बैठिए नहीं, अपने इलाज को अच्छे से कराएं, ये साइड इफेक्ट से ही खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अक्सर ये भी बात सामने आती है कि भारत सरकार और फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां कैंसर के इलाज को छुपाती हैं। जी नहीं, इनके पास बहुत सारे रिसर्च हैं, डेवलपमेंट्स हैं जो पिछले 5 सालों में कि कैंसर के फील्ड में इतना अच्छा रेवोल्यूशन आया है जिससे कि पेशेंट का सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा हुआ है, वो एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जीते हैं। फ्रेंड्स, ये भी सत्य है कि अभी कैंसर की कोई सिंगल क्यूरेबल ड्रग नहीं है हमारे पास, मगर इस दिशा में भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं, डेवलपमेंट एंड रिसर्च के फेज में है। हो सकता है कि भविष्य में हमारे पास कैंसर का इलाज हो। दोस्तों, क्या कैंसर पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है? जी हाँ दोस्तों, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, मगर यहाँ पर हम इसको रोक सकते हैं, संभाल सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल के द्वारा। हमें अच्छी संगति में रहना है, हमें खराब चीजें यूज नहीं करनी, जैसे तंबाकू है, सिगरेट, पान, बीड़ी, शराब, इन सब से दूर रहना है। अपनी लाइफ को एक क्वालिटी देनी है, एक अच्छा खान पान रखना है, जिसकी वजह से अगर हमारे परिवार में किसी को हिस्ट्री में कैंसर हुआ है तो मुमकिन है कि हम इसको यहाँ पर रोक सकते हैं। जीन म्यूटेशन को ना होने दें। जीन म्यूटेशन होता कैसे है? जब हम अपने जीन को डिस्टर्ब कर देते हैं, और वो कारण क्या होते हैं? शराब होती है, अल्कोहल, सिगरेट, पान, बीड़ी, गलत खाना, जंक फूड। तो अगर ऐसा आपके हिस्ट्री में कुछ है तो आप सावधान रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। दोस्तों, अक्सर ये भी बात आती है कि अगर किसी को कैंसर हो गया है तो उसकी वजह से हमको भी हो सकता है, तो दूरियां बना लेते हैं अपने प्रियजन से। कई बार तो मैंने देखा है कि घर के बाहर ही उनका एक कमरा बना दिया जाता है, उनको साथ में नहीं रखते। तो फ्रेंड्स, ऐसा ना करें, ये उस पेशेंट के लिए बहुत ही पेनफुल है, आप उसको ऐसी कंडीशन में ना डालें, आप उसके साथ रहें। कैंसर बिल्कुल भी छूने से नहीं फैलता है। आप अपने मरीज को गले लगाएं, संतावना दें,
उसको इसकी बहुत जरूरत है। यदि आपके मन में ऐसी कोई भ्रांतियां हैं, मिथ है, तो आप प्लीज इससे बचें। अपने पेशेंट को सुरक्षित रखें, अच्छा खाना दें, अच्छा लाइफ स्टाइल दें, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ जान लिया होगा कि कैंसर के क्या क्या मिथ है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीजों से बचना है। दोस्तों, जानकारी ही कैंसर का सबसे बड़ा बचाव है। और लास्ट में दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, पॉजिटिव सोच से कैंसर खत्म हो जाता है। जी नहीं दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, पॉजिटिव सोच से कैंसर खत्म नहीं होता। हाँ, मगर प्रैक्टिकली हम लोगों ने ये देखा है कि पॉजिटिव सोच आपकी बीमारी को खत्म करने में हेल्प करती है, उसको खत्म नहीं करती है। यदि आपको आपके बीमारी का आपके नजरिया उस पे पॉजिटिव है कि नहीं, मैं इसको हरा दूंगा, मैं इसको खत्म कर दूंगा, तो हमारी बॉडी भी कुछ इस तरीके के केमिकल रिलीज करती है जो हमें इस बीमारी को खत्म करने में मदद करती है। मगर यूं कहा जाए कि हमारी पॉजिटिव सोच हमारी बीमारी को जड़ से खत्म कर देगी या खत्म ही कर देगी, तो ये गलत है। हाँ, हमारी पॉजिटिव सोच हेल्प करती है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते, जय हिंद।